पलामू। पूर्व मंत्री के भाइयों पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज। झारखंड के पूर्व मंत्री व डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके केएन त्रिपाठी के भाई पर एक युवती ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पंडित जगनारायण त्रिपाठी बीएड कॉलेज में बतौर अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर चुकी युवती ने कॉलेज के सचिव धनंजय त्रिपाठी उर्फ ट्रेजर, मृत्युंजय त्रिपाठी उर्फ नकुल त्रिपाठी के खिलाफ पहले पलामू एसपी से शिकायत की, अब सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। युवती ने कोर्ट में दर्ज शिकायत में वेतन भुगतान नहीं करने, छेड़खानी करने, गलत नियत रखने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। युवती ने बताया कि कॉलेज में ज्वाइनिंग के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसने बताया कि दोनों भाई उसे व्हाट्सएप पर देर रात मैसेज और कॉल कर अमर्यादित बात करने की कोशिश करते थे। युवती का कहना है कि उसने केएन त्रिपाठी को भी इस मामले की जानकारी दी थी, इसके बावजूद उन्होंने कोई पहल नहीं की, जिसके बाद वह कोर्ट की शरण आई है। युवती ने साक्ष्य के तौर पर व्हाट्सएप चैट की कॉपी दी है, जिसमें पलामू के ही एक निजी होटल में उसे बुलाने समेत कई बातों का जिक्र है। हालांकि यह चैट सही है या गलत, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं धनंजय त्रिपाठी से इस मामले में जब पूछा गया तो उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए इसके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति का हाथ बताया। उन्होंने बताया कि कॉलेज में 3 माह के कार्यकाल के दौरान युवती का यहाँ के कर्मियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाला गया। कहा कि युवती सैलरी बढ़ाने का दबाव बना रही थी, ऐसा नहीं करने पर उसने ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी। कहा कि शहर थाना के TOP 2 के प्रभारी ने पूरे मामले की जांच भी की थी। व्हाट्सएप चैट के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट लहजे में इनकार करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर उन्होंने किसी तरह की बात नहीं कही है। हो सकता है कि फर्जी तरीके से व्हाट्सएप चैट क्रिएट किया गया हो। आपको बता दें कि धनंजय त्रिपाठी मेदिनीनगर निगम में महापौर के प्रबल दावेदार हैं। पलामू के राजनीतिक गलियारे में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं पंडित जग नारायण त्रिपाठी बीएड कॉलेज में अकाउंटेंट के रूप में मैं वहाँ पे काम करती थी। मुझे वहाँ पे रखा गया था अकाउंटेंट के पद पर 1 जुलाई 2023 से, लेकिन वहाँ पे कुछ दिनों काम करने के बाद ही वहाँ धनंजय त्रिपाठी जो कि वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनका मेरे पे गंदा नियत रहने लगा। और है कि पेमेंट को लेके भी वो बोलने लगे कि मेरे साथ जब तक तुम कुछ गलत काम नहीं करोगी तब तक तुमको पूरा पेमेंट भी नहीं मिलेगा। उनका एक ही मतलब भाषा है कि मैं नीचे से तुमको पूरा पेमेंट दूंगा और नीचे से ही लूँगा, इस तरीके का वो मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और काम भी बहुत ज़्यादा लेने लगे। लेकिन मैं वहाँ पे कुछ दिनों के बाद 1 महीने के अंतराल तक जब मुझे पूरा पेमेंट भी नहीं मिला और इन लोग का हरकत नहीं सुधरा, तो फिर मैं वहाँ काम करने से जाने के लिए मैं वहाँ पे मना कर दी। जब मैं नहीं मतलब जाने लगी तो वो लोग है कि मेरे घर पे आके धमकी के साथ से फिर से वो लोग हमको लेके गए वहाँ पे। और वहाँ पे ले जाने के बाद फिर से उनका हरकत उसी तरीके से होने लगा और पूरा पेमेंट को लेके, और फिर ज्वाइनिंग लेटर भी मुझे नहीं दिए थे। मैं उस सब चीज़ को लेके और जो ड्यूटी एक्स्ट्रा मुझसे कराया गया था, मैं उस सब चीज़ को लेके पेमेंट को लेके जब मैं बोली तो वो है कि मुझे फिर से धमकी देने लगे और मुझे पिस्तौल दिखा के बोले कि अगर तुम ज़्यादा कुछ बोलोगी तो फिर तुमको हम लोग यहीं पर मार देंगे। अगर तुमको अगर मतलब बचना है तो तुम अभी क्या भी तुम निकलो वहाँ से। उसके बाद आप कहाँ गए न्याय के लिए? फिर मैं वहाँ पे है कि पहले तो मैंने केएन त्रिपाठी को मैंने मैसेज करके मैंने सारा कुछ मैंने उनको बताया, लेकिन वो है कि कुछ इसका जवाब नहीं दिए। तब मैं एसपी के पास गई, लेकिन उस समय एसपी कुछ मतलब बिजी थी, इसलिए मुझे 5 दिन लगा उनको अपना लेटर अपना जो बयान देने के लिए, मैं जो भी मुझे आवेदन देना था 5 दिन मुझे लग गए। इसलिए मेरा जो आवेदन उनके पास पहुँचा वो 18 तारीख को उनको मिला। उसके बाद फिर वो है कि थाना प्रभारी वहाँ जो दो नंबर टाउन के जो थाना प्रभारी हैं उनको ये काम सौंपा गया, लेकिन मैं उनके इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने सीजीएम कोर्ट में भी इसका मैंने मामला दर्ज कराया है। न्याय पर कितना भरोसा है? न्यायालय पर कितना भरोसा है? देखिए, भरोसा तो जब मुझे न्याय मिलेगा तो ही मेरा भरोसा बनेगा। कितने दिनों तक वहाँ काम किया? वहाँ पे मैं तीन महीने 10 दिन हुए, क्योंकि 10 अक्टूबर को ही मेरे साथ इस तरीके का हुआ। मुझे उसी समय मुझे जाने को कहा गया। जाने को क्या, निकल जाने को कहा गया। जान बचाना है तो तुम निकल जाओ यहाँ से। कितना माह का पैसा बाकी रह गया? और मेरा तो देखिए, ऐसे अगर टोटल देखा जाए तो मेरा 71,852 रुपये मेरा वहाँ पे बाकी है।
क्योंकि मुझे आने जाने का सुविधा का भी खर्च के लिए बोला गया था और जितना पेमेंट बोला गया था वो पेमेंट मुझे मिला नहीं है। कैश के रूप में मुझे बस 30,000 रुपये दिए, मतलब वो भी टुकड़े में, वो भी मुझे कॉलेज में नहीं दिया गया है, सदीक चौक के पास मुझे दिया गया है और बाद में मुझसे मतलब साइन कराया गया है वहाँ पे, और अभी भी मैं मतलब पूरा पेमेंट बाकी है जो मतलब लोग देने से इनकार कर रहे हैं। छेड़खानी का आपने उसमें लिखा है आवेदन? हाँ, छेड़खानी का मैंने ये कहा है क्योंकि जो धनंजय त्रिपाठी जो है सेक्रेटरी, वहाँ पे किसी भी रूम में कैमरा नहीं लगा हुआ है। वो है कि काम के ये से सिलसिले से मुझे बुलाते थे और वहाँ पे गलत हरकत करते थे। मैंने इसका कंप्लेन भी किया वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, पहले तो मैंने उनको बताया तो वो बोले कि देखिए यहाँ पे है कि आप ये सब बात किसी से शेयर मत कीजिए क्योंकि यहाँ का प्रिंसिपल के साथ भी उनका गलत अवैध संबंध है और यहाँ बाकी महिलाओं के साथ भी यही हरकत होता है, इसलिए आप है कि प्रिंसिपल के पास तो भूल के भी मत कीजिए कंप्लेन, और हम लोग भी आपको कोई मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ना तो यहाँ कुछ देखते हैं ना ही कुछ सुनते हैं। कौन ये बात बोला? ये वहाँ पे जो शमशेर हैं वहाँ पे कैश का ये सॉरी मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का जो काम करते हैं वही ये बात बोले हैं। और जो लड़कियां हैं वहाँ वो भी छेड़खानी का शिकार होती हैं आपका कहना? हाँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद वहाँ पे एक लेडीज़ को निकाला गया था, लेकिन मैं जब उनसे जब मैं पूछी बाद में मैं उनका नंबर मतलब इंतज़ाम की और जब मैं पूछी तो उन्होंने भी यही बात बताया लेकिन उन्होंने किसी से ये बात शेयर नहीं की। आप बता रही थी कि जिस कमरे में कैमरा नहीं था और आपके साथ छेड़खानी की जाती थी, हाँ, तो उसका विरोध आप करते थे? हाँ, मैंने विरोध किया और ये चीज़ को मैंने बोला भी, इसीलिए तो मैंने छोड़ा था काम। लेकिन मैसेज वगैरह भी आपको करते थे? हाँ, बहुत गंदी गंदी मैसेज वो लोग मुझे भेजते थे, मैसेज करते थे, कॉल करते थे, वीडियो कॉल करते थे, वो सारा मैसेज मेरे पास है। ये सरासर निराधार, सरासर निराधार और गलत है, ऐसी कोई बातें नहीं है, मात्र केवल उसको सैलरी बढ़वाने और अनर्गल पैसे ऐंठने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको मैं 2-3 महीने के लिए ऑडिट करने के लिए रखा था और मात्र उस लड़की से मेरी 2-3 दिन अकाउंट्स के सिलसिले में मेरे पास 2-4-5 मिनट बैठ करके बातें की है। इसके अलावा उसका कॉलेज के स्टाफ के साथ बिहेवियर ठीक नहीं होने के कारण मैंने उससे बातचीत करना बंद कर दिया और ये आज 3 महीने बाद ये आरोप लगा रही है जो कि सरासर बेबुनियाद और गलत है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था तो उसी दिन उसने नौकरी क्यों नहीं छोड़ा, उसी दिन वो थाने क्यों नहीं गई, उसी दिन वो कोर्ट में क्यों नहीं गई, 3 महीने बाद क्यों? उससे मेरी 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसका वेतन तय किया गया था, बाद में उसने ज़बरदस्ती वेतन बढ़ाने का दबाव डाला और दबाव डाल करके कहा कि मुझे पैसा दीजिए नहीं तो आपके ऊपर मैं अनर्गल आरोप लगाऊंगी और आपको बर्बाद कर दूंगी। उसके पिता ने भी फ़ोन पर मुझे कहा, उसके पिता ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं एसटी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, एसटी के कानून में कितनी सुनवाई है आपको पता नहीं और आपको मैं बर्बाद कर दूंगा और मैं फ़ोन टेप कर रहा हूं। अगर उसके पिता का फ़ोन टेप हुआ है तो उसके पिता की भी ये बातें उस टेप में आ जाएगी, वो आप सुन सकते हैं। अगर उसके पिता को आप उसका मोबाइल पर बात किया हुआ टेप मंगा सकते हैं तो उसमें मिल जाएगा। हम तो टेप टप करते नहीं, हमारी आदत नहीं है किसी के साथ, इसलिए हम लोग राजनीति के व्यक्ति हैं तो हम लोग इस तरह का कार्य करते नहीं हैं। उसी ने सब किया है, ये सोची समझी साजिश है, या तो मुझे लगता है कि किसी राजनीति के व्यक्ति का हाथ है कि कोई इसको राजनीतिक फायदा लेना चाहता है, ये काम हो सकता है राजनीतिक व्यक्तियों का, मैं उस व्यक्ति का नाम जानता नहीं, लेकिन ये महिला किसी के हाथों में खेल रही है और इसको शुद्ध केवल पैसा चाहिए, जबकि 2 नंबर टाउन के थाना प्रभारी, हमारे कॉलेज के सारे स्टाफ से बात किया है और सारे स्टाफ से अलग अलग बुला के व्यक्तिगत तौर पर अकेले में बात किया है, सारे स्टाफ ने उनको कहा है कि ऐसी कोई बातें नहीं है, ये लड़की गलत आरोप लगा रही है और ये लड़की गलत है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, ये सभी से गलत बातें करती है और सबको भी धमकी देती थी कि मैं एसटीएससी हूं, मैं किसी भी आरोप में फंसा के अंदर करवा सकती हूं। उस लड़की ने कुछ मैसेजेस दिखाया है आपके नंबर से भेजा हुआ और आपके भाई मृत्युंजय त्रिपाठी जी के नंबर से, जिसमें कुछ प्राइवेट बातें लिखी हुई है इस बारे? नहीं, मेरा कोई मैसेज नहीं है, ये गलत बात है। अगर कुछ इसमें मोबाइल का हेर फेर होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल से कोई मैसेज नहीं, ये गलत बातें हैं।